So in January 2022, I set a resolution for myself that this year I am gonna travel a lot, and till date I am right on track. As you can see, boys are all pumped up because this time mission is Pokhara, Nepal, and I just can't wait because it is going to be our first international trip. So just check it out. So officially we are here inside in Nepal. वहाँ पे काकड़भिट्टा का चेक पोस्ट था, वो क्रॉस करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स बस स्टॉप. ये एक और बॉर्डर लाइन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को. वी आर हियर इन नेपाल एंड वेरी मच एक्साइटेड. सो वी आर हियर एट काकड़भिट्टा बस स्टॉप. सो दिस इज अवर एसी बस फॉर द डे. वी विल बोर्ड द बस एंड पोखरा पहुँचने में लगभग 14-15 घंटे तो लग ही जाएगा. तो दिस इज गोइंग टू बी अ हेक्टिक जर्नी. वन इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक इफ यू आर कमिंग टू नेपाल, मैं सजेस्ट करूँगा आप सिलीगुड़ी से होके आओ, वो नजदीक होता है. और जब हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारे चेक पोस्ट पे, सो दे चेक ओनली अवर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड अवर इंडियन पासपोर्ट और आधार कार्ड, व्हाट एवर यू हैव, दैट्स एनफ. So we are here at currency exchange office and we are exchanging our Indian currency to Nepalese currency. अभी भाव चल रहा है, वन इंडियन करेंसी इक्वल टू 1.6 नेपाली करेंसी. तो मैंने 12,500 सबमिट किया तो 20,000 नेपाली मुद्रा मिला. समथिंग फैसिनेटिंग वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑल इट्स अवर इंटरनेशनल ट्रिप, राइट? कहाँ से आप लोग? हम लोग कलकत्ता. मैं सिलीगुड़ी. कितना हो? 32. सो दिस इज अवर नेपाली करेंसी दैट वी गॉट. पीछे लिखा है ना? अच्छा, इंग्लिश में लिखा है. एक मिनट रुके, एक मिनट रुके. सो आफ्टर एक्सचेंजिंग करेंसी, दिस इज अवर सेकेंड असाइनमेंट टू इंस्टॉल नेपाली सिम कार्ड इन आवर फोन. एनसेल, एंड दैट इज एनसेल. तो ये नाम देख के रखो, अगर आप आ रहे हो नेपाल में तो एनसेल का सिम जरूर लेना है. दिस इज द सिम कार्ड, एनसेल. योर फुल नेम? आप क्या है? जल्दी जल्दी चलो, बस छोड़ रहे. ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है. फाइनली चलो. डेसर्ट की तरफ बोला. आफ्टर 14 आवर्स ऑफ लॉन्ग बस जर्नी, फाइनली वी आर हियर एट पोखरा बस स्टॉप. So a very good morning from Pokhara, the second most populous city of Nepal after the capital Kathmandu. And यहाँ पे उतरते ही जो व्यू सबसे पहले मिला ये है, ये अन्नपूर्णा रिजियन का पूरा रेंज यहाँ से विजिबल है, ऑलमोस्ट पूरा रेंज. बर्फ देखा हो? बर्फ गिरा हुआ है ना? वो बर्फ देखा हुआ है, वो देखो वहाँ पे बर्फ गिरा हुआ है वो पहाड़ों में. And needless to say, from tourist point of view, it's like a year-round tourist destination. और आज वेदर भी क्लियर है, we are quite lucky, I must say. तो ये गाड़ी अभी हम लोगों को छोड़ेगा जो हम लोगों का होटल है वहाँ पे. एंड अभी यहाँ पे मार्केट भी खुल रहा है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 7:20. यहाँ पे मार्केट भी सब ओपन नहीं हुआ है. इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू नेपाल पोखरा, सो यू हैव टू ऑप्शंस. आइदर यू बोर्ड ट्रेन फ्रॉम हावड़ा, दैट इज मिथिला एक्सप्रेस, जो रक्सल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपको फिर से 7-8 घंटे का बस जर्नी करना होगा. कंपेयर टू दैट, अगर आप सिलीगुड़ी से काकड़भिट्टा होके पोखरा में जाओगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा कंपेयर टू द फर्स्ट ऑप्शन. तो आप सोच लो कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे. यू हैव टू ऑप्शंस. सो हियर इन पोखरा वी आर स्टेइंग एट जॉस्टल. अभी थोड़ा बहुत वेट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि अभी चेक इन टाइम चालू नहीं हुआ है. दिस इज द एंटायर ट्रेकिंग रूट हियर एट अन्नपूर्णा सर्किट. यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके भी इसका स्नैपशॉट ले सकते हो. Let me show you the entire Jostel property.
बहुत बढ़िया व्यू है भाई। इधर से जो मेन इसका अट्रैक्शन है पोकरा का, फेवा लेक भी विजिबल है वो दूर पे। दिस इज़ द एंटायर कैफे रीजियन जहाँ पर बैठ के चिल कर सकते हो, गप्पे मार सकते हो। जो हम लोग का प्लान है कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद, अच्छा मछली भी है, अच्छा अच्छा देखो 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 मछली भी है, ये देखो भाई ये राइट नाउ वी आर हियर एट बिजी पोकरा मार्केट एंड वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर स्कूटी एंड ए प्रॉपर रॉयल एनफील्ड टू रोम अराउंड। वी कंसिडर आवर सेल्फ वेरी लकी क्योंकि यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं कि आफ्टर 15 दिन बाद ये लोग यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट देखे क्योंकि पूरा क्लाउड से ढका हुआ था लास्ट 14 दिन। और हम लोग 15 घंटे जर्नी कर रहे हैं उसके बाद ऐसा दिख रहे हैं, टायर्ड नहीं है हम लोग, अभी हम लोग पम्प्ड अप है पूरा, अभी चलेंगे। आज घूमने के लिए स्कूटी और बाइक रेंटल पे लेना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स टू डू एट पोकरा। वी गॉट वन यामाहा फैसिनो एंड अनदर पल्सर, हम चार लोग हैं तो ये दो में मैनेज कर लेंगे। और बाइक का नॉर्मल प्राइस होता है 2000 और ये स्कूटी का प्राइस होता है 1000 पूरा दिन का, मतलब आई एम टेलिंग दिस इन नेपाली करेंसी। समझ जाए कि बार भालो बाइक ही तुलबो, एक्टा बाइक तुलबो देखो कुछ दुकान देखते बार साठ साठ दाम को दाम जगह शुरू करो वो बात पर है आगे। तो अभी एक और बाइक उठाने के चक्कर में अभी हम लोग पोकरा शहर को घूम रहे हैं, ठीक है। राइडर है संजय, अपन पीछे बैठ कर ब्लॉक कर रहे हो। स्कूटी चलना पड़ रहा है, कितना स्कूटी चलाना पड़ रहा है इसको, एनफील्ड नहीं मिला भाई को। चल चल चल, एक और बाइक उठाना है, लास्ट टाइम बाइक उठाने गए पर वो सेल हो गया। एनफील्ड मिल जाता तो अच्छा होता, अरे भाल लगे स्कूटी बसमा एनफील्ड चलाई तो भाई पेट्रोल पंप पे पूरा शहर बांध कर देने की। So we came in the petrol pump to fill the tank here and you can see petrol ka price hai 160.25 per liter and diesel ka hai 143 Nepalese currency. So finally our hard work and dedication paid off and we got a brand new Royal Enfield. Ekdam brand new hai. Jo Sanjay ko chahiye tha wohi mil gaya. Ye mat hara na. Theek hai. फिर ये नहीं होगा तो फिर पास नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। सो दैट्स द आइकॉनिक फेवा लेक ऑफ पोकरा, ऊपर पैराग्लाइडिंग चालू है एंड ऑन दैट साइड इज द पैराग्लाइडिंग लैंडिंग स्पॉट एंड वी आर जस्ट हियर एट हिमालयन कैफे टू हैव आवर लंच। ऑल द रेस्ट ऑफ द पीपल आर वेटिंग फॉर फूड। दिस इज आवर लंच फॉर द डे, शक्शुका इजरायली फूड एंड दैट इज चिकन मोमो एंड हियर इज चीज ऑमलेट। मैंने तो कासोल पे शक्शु का मैंने टेस्ट किया था, यहाँ पे मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। चलो जल्दी खत्म करते हैं, निकलते हैं फिर। डन बॉयज, उंगलियाँ बाद में चटना। चल सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइक इन दिस ट्रिप वी विल बी गोइंग टू मार्द्री हिमाल ट्रेक, दैट इज द अन्नपूर्णा रीजियन। तो उसके लिए हम लोगों को भी परमिट कराने के लिए आना पड़ा नेपाल टूरिज्म बोर्ड का ऑफिस में। यहाँ पे चार लोगों के लिए परमिट बनाना पड़ेगा, अभी तो लाइन वगैरह कुछ नहीं है, वी आर फॉर्चुनेट एनफ। दिस इज़ द अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर मार्द्री हिमाल ट्रेक। वैसे भी अन्नपूर्णा रीजियन में जितना भी ट्रेक है उसके लिए आपको ये परमिट कराना पड़ेगा। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया देन रिक्वायरमेंट्स है चार कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो एंड कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ। हम लोगों के पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड भी चलता है यहाँ पे, दैट्स इट। गॉट माय ट्रेकर कार्ड फ्रॉम TIMS ऑफिस, सो वी आर डन विद बोथ द पासेस। दिस इज फॉर TIMS कार्ड, अन्नपूर्णा साइट कार्ड, दोनों का कंबाइन हम लोगों को पड़ा 1600 नेपाली करेंसी। पहले का TIMS कार्ड का है 600 नेपाली करेंसी एंड दैट अन्नपूर्णा रीजन में घुसने के लिए आपको चाहिए 1000 नेपाली करेंसी। तो 1600 नेपाली करेंसी हम लोगों का खर्चा आया ये दोनों पास बनाने के लिए एंड दिस टू विल एक्ट एज लाइक अ सिंगल पास फॉर ऑल द ट्रेकर्स हु आर एंटरिंग इन द अन्नपूर्णा बेस्ट रीजन। वैसे पोकरा में आने के बाद सबसे पहला जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में हम लोग सोचते हैं दैट इज़ फेवा लेक, बट फेवा लेक को भी छोड़ के एक और बहुत ही सुंदर लेक पे अभी हम लोग आए हैं, जगह का नाम है बेगनास लेक, बहुत ही खूबसूरत है, लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आज नेपाली कैलेंडर वाइज आज नववर्ष है एंड द ईयर इज़ लाइक 2079। लोग बहुत आज हॉलीडे के मूड पे है। वन थिंग लाइक फेवा लेक, इधर बेगनास लेक पे भी बोटिंग चालू है
बोटिंग का एंट्री पॉइंट शायद वहाँ से वहाँ तक है। वहाँ पे बहुत भीड़ भी लगा हुआ है। वैसे बोटिंग करने का मन तो नहीं है, बस ऐसे ही बैठना है और जगह को एंजॉय करना है, दैट्स इट। एट बेगनास लेक, यहाँ पे ज़्यादा देर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, बिकॉज वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स पीस पैगोडा। एक ट्राई मारते, लास्ट एंट्री टाइम इज 5, राइट? सो वी आर हियर एट द एंट्री पॉइंट ऑफ देवीज फॉल्स। अच्छा, वहाँ पे वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग को अभी पैदल चलना पड़ेगा सीढ़ियों से उधर आगे तक। लोग सब जा रहे हैं एक एक करके, बट मेरे को ये जानना है ये जगह का नाम देवीज फॉल्स कैसे हुआ। इन 1968 जुलाई अ गाय नेम डेविस वाज टेकिंग अ बाथ एंड शी वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर फैमिली। ओके, सो दैट्स व्हाई द नेम केम डेविस फॉल। सो दिस इज द फॉल। ओके, दैट वन। बेसिकली फॉल्स जो है ना, ये साइड से दिख नहीं रहा है, हम लोग को उधर ही जाना पड़ेगा। बट इसका डेप तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत स्टीप भी है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट केव्स इन एशिया। इज़ इट? या। केव का एंट्री किधर है भाई? सो फाइनली ऑन द अदर साइड आई गॉट सम अमाउंट ऑफ गुड व्यू। यहाँ से दिख रहा है, ऊपर पूरा साइड व्यू हो रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मेरे को ऑनेस्टली बोलूं, जगह गिमिक लगा, ठीक है। 80 रुपए नेपाली मुद्रा में लेके ये लोग अंदर जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं। बेसिकली इट्स लाइक अ गार्डन, ऐसा बहुत सारा हाइप बना के रखे, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ओवररेटेड या काइंड ऑफ, बट हाँ पहली बार आ रहे हैं तो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जगह पे आप लोग भीड़ देख रहे हो, दिस काइंड ऑफ विश पूल। यहाँ पे लोग पैसा फेंक के कुछ ना कुछ विश मांग रहे हैं ताकि वो पूरा हो जाए। बहुत सारा कहीं जमा हो गया। व्हाट आई अज्यूम वाज राइट कि ये जो बीच में जो प्लेट आप लोगों को दिखा ना, वो प्लेट पे कैसे भी करके पैसा गिराना है। विल ब्रिंग यू गुड लक इफ यू विश समथिंग टू गॉड। अच्छा, ऊपर ये साइड एक और व्यू पॉइंट है, मतलब जहाँ से वो देवी का फॉल्स दिखने का चांसेस है। बाय द वे, दिस इज लाइक ए नाइस फोटोशूट एरिया। इधर देखिए, नहीं सेम ही है, वो वहाँ पे है पानी का फ्लो। ये लग रहा है कि जोर से कोई पानी ऐसा फेंक रहा है। जस्ट लाइक आई वाज सेइंग इट अर्लियर दैट दे हैव डिस्प्लेड द स्टोरी दैट 1961 मिसेस डेविस, शी वाज अ स्विस सिटीजन, शी वाज स्वेप्ट अवे व्हाइल टेकिंग अ बाथ विद हर हस्बैंड। अच्छा, यहाँ पे लिखा है अ फ्यू मीटर्स अहेड ऑफ द फॉल एंड शी डाइड एंड द डेड बॉडी हैड बीन टेकन आउट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड सिंस देन इट हैड बीन कॉल्ड डेविस फॉल बिकॉज़ ऑफ हर नेम Davis. So I was thinking it is like D-E-V-I, Devi. It's not Devi, it's Davis. Davis. It's a proper like an abroad name. Abroad name, yeah. Here comes the final attraction of the day. That is Khewa Lake, number one spot of Pokhara. तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि लाइक बोट मिलेगा कि नहीं, तो लाइन भी बहुत लगा हुआ है। At the same time sunset is also happening. एक बोट आ रहा है, पूछना पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं। और ये लाइफ जैकेट पहन के आपको बोट पे चढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग को ये बोट अलॉट हुआ है, मैं और सुशील जाएगा इस बोट पे। चलो फिर, लेट द एडवेंचर बिगिंस। संभल के, संभल के। फाइनली रेडी, ऑल सेट, रेडी टू गो।
फॉर दिस लास्ट एडवेंचर ऑफ द डे। भाई सच बताओ तो ये अगर नहीं होता ना, मन में एक दुख रह जाता कि पोखरा में आए और बोटिंग नहीं किया फेवालेक में। सही बोला ना। और अभी गोल्डन आवर है फोटो उठाने के लिए, हम दो ही लोग हैं और भाई साहब हम लोगों को घुमाएगा एक घंटा। आप जैसा बोलोगे। मंदिर में तो भीड़ है। मंदिर में थोड़ा देख के माथा फेंक के आ जाएगा बस, दैट्स इट। कुछ नहीं है, जाना पड़ेगा। भैया वो जो बोट दिख रहा है वो वाला खुद पैडलिंग कर रहे हैं ये क्या? हाँ वो वाला। ये सेल्फ का था, वो डाइवर। अच्छा अच्छा अच्छा। और लाइट कितने बजे तक रहता है एक सीन दिखने के लिए? लाइट वो तो 6-7 वैसे। तो राइट नाउ इट्स 6 इन द इवनिंग, 7 बजे तक आराम से लाइट रहेगा, कभी भी आओ। 7 बजे के बाद लाइट थोड़ा कम हो जाएगा तो दिखने को नहीं मिलेगा। बीच में एक मंदिर भी है ताल बैराई, वो मंदिर पे अभी हम लोग जाएंगे, माता टेक के आएंगे और वो भी व्लॉग पे दिखाएंगे। और इसके लिए एक लाइक तो बनता है। भाई एक बात बताओ, देख के तो लग रहा है गहराई बहुत है, डीप कितना होगा? 50-60 फीट। नहीं मेरे को तैरना आता है, तो गिर जाओ तो तैर पाओगे ना? ऐसा तो कुछ नहीं है मगरमच्छ? नहीं है ना। नहीं, जैसे कि आप लोगों ने सुना बहुत सेफ है ये राइड, कोई मगरमच्छ जीव जंतु नहीं है, थोड़ा बहुत साफ है यही बोला। 50-60 feet डीप है राइड? हाँ तो ठीक है, ये जैकेट तो है तो कोई इशू नहीं है। व्यू देखने के लिए तरस रहा था सुबह से, कब ये व्यू मिलेगा। वैसे मैं 2017 में नैनीताल भी गया था, वहाँ पे नैनी लेक पे बोटिंग का भी एक्सपीरियंस था, बट ये जो लेक है वो उससे भी बड़ा है और बहुत सारा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर टाइम है तो 7 बजे तक बोटिंग होता है, वो थोड़ा दिमाग पे रखो, उसके हिसाब से बोटिंग करने के लिए आओ। ना ना बोट नहीं है ये बंदा, बोटिंग में भी फोन पे बिजी है। कहाँ से हो? मैं भी इंडिया से। कहाँ से? दिल्ली, बंगाल। भैया जी आपका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद आप यही के रहने वाले हो? हाँ। भैया जी बहुत अच्छे तरह से हम लोग को ड्राइव करके घुमा रहे हैं, हैट्स ऑफ टू गोविंद भैया, हाय बोल दो। तो बोलते बोलते अभी आ गए ये ताल बैराई के टेंपल में, ये विष्णु जी का टेंपल है ना। चलो सुशील माता टेक के आ जाते, बार बार ऐसा मौका थोड़ा ही मिलेगा। चलो पहुँच तो गए मंदिर पे, अभी बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है, एक पैर इधर एक पैर इधर डाल के। नहीं नहीं नहीं, बीच बीच से, बीच बीच में। ओके आप यहीं पे रुकोगे ना? हाँ, जैकेट इधर उतार। अच्छा, सो वी आर हियर एट ताल बैराई के टेंपल, अभी इधर से ही देख के हम लोग वापस जाएंगे। व्यू बहुत ही बढ़िया है, मतलब इधर बैठ के आप पूरा जगह का 360 डिग्री व्यू आप एंजॉय कर सकते हो एट द सेम टाइम। Before ending a productive day at Pokhara, let me tell you that we are fortunate enough to witness the Nepalese New Year celebration here at Pokhara, and the year is 2079. Quite fascinating, you know, as per their calendar. So stay subscribed to my channel The Bong Wayfarer to get notified about our upcoming vlogs, and if you have any query regarding our Pokhara trip, then DM me on Instagram as IamRoy92. Besides, we need your immense love and support because we will be heading towards Mardi Himal trek in the Annapurna Conservation Area. But before leaving, check this out, this amazing footage taken yesterday.
regarding Nepalese New Year celebration. Till then, goodbye, take care, see you soon.